Hello students, myself Sukhchand Singh, math teacher. Today's topic is how we will write the number in English alphabets. इसको अपने English में कैसे बोलना है? जैसे 1, 7, 8, 3, 4. So इसको कैसे pronounce करना है? ठीक है? First of all हमारे पास ये chart है. फर्स्ट में यहाँ से राइट में से स्टार्ट होगा, राइट में से स्टार्ट होगा, इधर राइट से लेफ्ट को जाएगा. फर्स्ट डिजिट को हम वंस बोलते हैं, जैसे यूनिट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पहली प्लेस पर होता है, तो इसे यूनिट भी बोल सकते हैं, वंस भी बोल सकते हैं. देन उसके बाद प्लेस आती है टेंस, देन 100, H for 100, देन PH means 1000, PH means 1000. Then 10,000, then 10,000. इसके बाद भी और भी है, पर हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल जोन वन में जो है सिर्फ 10,000 तक ही है. आपने इसको बोलने से पहले इसको सबसे पहले इस चार्ट में फिल करना है. चार्ट में फिल कैसे करना है? राइट राइट में देखो, एंड में क्या है? 4. यहाँ पर 4 लिखो. राइट कर दिया. राइट करने के बाद 3 की करना है, 3 लिख दिया. 8 लिख दिया. 7 लिख दिया. 1 लिख दिया. अभी इसको बोलना कैसे है? देखो मैंने ना ऊपर लिखा हुआ है 1000 एंड 10,000 के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है. 1000 क्या लिखा हुआ है? ये सारी की सारी चीज क्या है मेरे पास? 1000 की है. तो इसे टोटल एक साथ पढ़ो. कैसे पढ़ोगे? 17. क्या पढ़ोगे? 17 के ऊपर क्या है? 1000. सेवनटीन थाउजेंड भी बोल लेते हैं देखो आगे आ गया मेरे पास 8 के ऊपर क्या लिखा है? H 8. हंड्रेड के बाद क्या लिखा है? 34. 800 के बाद क्या लिखा है? 34. ये तो सिंगल है, जैसे हम स्मॉल क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं सिंगल डिजिट को, जहाँ डबल डिजिट को कैसे डिजिट करना है. जैसे कि 16 क्या है? 60. वैसे मेरे पास 34 क्या है? 34. तो ये यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा? 834. थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड काम नहीं कर रहा, प्रॉब्लम नहीं है जरा, डाउन से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती. 17,800 क्योंकि ऊपर 100 लिखा हुआ है, 800 पीछे इजीली पढ़ देना है. 34. प्लीज नोट डाउन. देखो अभी ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है. मेरे पास है 29102. इसको बोलना कैसे है? ठीक है, इसको रीड कैसे करना है? सबसे पहले आप इसको टेबल में फिल करना है. टेबल में फिल कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. अब सेकंड का यहां पर लिखोगे 2, देन 0, देन 1, देन 9, देन 2. अब इसको राइट भी करना पड़ेगा. आप इसको लिख लेना बी, क्योंकि अब बाद में मुझे पूछोगे सर इसको कॉपी पर राइट कैसे करना है. कॉपी पर राइट कैसे करना है? जैसे पहले वाला जो मैंने लिखवाया था उसको इंग्लिश में लिखना है 1 लिखकर. ऐसे चार्ट बना लेना है, चार्ट बना कर इसमें वैल्यू फिल करते जाना है ऐसे. ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया. आप ऐसे सी कर लोगे, आप डी कर लोगे ऐसे. और इंग्लिश में कैसे लिखना है? ए लिख दिया था, अब मैं बी लिखने वाला हूं. आपके पास बी को कैसे राइट करूंगा? देखो मैं पहले इधर से स्टार्ट करूंगा. ये 2 है, ये 9 है. 2 और 9 के ऊपर कौन है? देखो
1000 है ना मेरे पास, तो ये बनेगा 29,000, 29,000। वन के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, वन के ऊपर लिखा है 100, क्या लिखा है 100, वन हंड्रेड, ये सीधा क्या लिखा है जीरो, जीरो को नहीं पढ़ना हमने, तो लास्ट में क्या लिखा है टू, हम ऐसे भी रीड करते हैं ना इसको, देखो 102 लिखा है ना, 102 ही है इसका मतलब, जीरो को अब रीड करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा लिखेंगे 102, ये आपके पास सेकंड हो गया। अभी आपने थर्ड करना है, जैसे स्टार्ट करना है थर्ड, सी पार्ट करना है, सी कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू फिल करेंगे, यहां पर वैल्यू फिल की, वैल्यू फिल करने के बाद यहां पर सी पार्ट में आपने इसको लिख देना है कि बोलना कैसे, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वैसे हमने इसको इंग्लिश में राइट कर देना है, तो ये आपकी फर्स्ट प्रैक्टिकल जोन हो गई। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपने फिल देखने हैं, कुछ आपके पास ऐसी एग्जांपल्स भी होगी, जैसे ऊपर इसके पास एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स में से आपने देख लेना है, और चार्ट सभी क्वेश्चंस में सेम ही बनेगा, बस एक कॉमन चार्ट बना लो, उसमें सभी की वैल्यू फिल कर लो, ज्यादा बार आपको चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे आप कमेंट में मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, या मुझे पर्सनल मैसेज सेंड कर देना, और कोई प्रॉब्लम हुई तो ज़्यादा इंचार्ज के साथ बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच।